देर शाम एक सूचना के आधार पर कि सुरेंद्र मलिक लिस नीतू अपने साथियों के साथ होटल ग्रैंड हयात के पास ग्रैंड होटल ग्रैंड के पास वसंत कुंज में आएगा। इस सूचना पर स्पेशल दल की टीम वहां पे पहुंची। जब उसे रोकने की कोशिश की गई और गाड़ी सर्च करने की कोशिश की गई तो वो वहां से भाग निकलने की कोशिश किया, इसको इंटरसेप्ट किया गया, गाड़ी लगाकर उसको रोका गया। निकलते ही उसने पुलिस फायरिंग की। हमारे निर्भीक और बहादुर स्पेशल सेल के ऑफिसर्स ने जवाबी फायरिंग किया और जवाबी फायरिंग में तीनों ऑक्युपेंट्स जिनके नाम बाद में मालूम पड़े वे घायल हुए। उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया। जैसा कि आपको मालूम है सुरेंद्र मल्लिक अलिस नीतू पिछले कुछ वर्षों में अपराध की दुनिया में बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा था। वो वर्ष 2012 में जेल हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद वो एक के बाद एक बड़ा डेंजरस क्राइम बड़ी सीरियस क्राइम कर रहा था और इस बोर्ड में वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। दिल्ली पुलिस की कई सारी टीम उसे पकड़ने की पिछले एक साल से बड़ी प्रयत्न कर रही थी और आखिर में हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने जब उसे रोकने की कोशिश की पुलिस फायरिंग में उसकी मृत्यु हो गई। अप्रैल 2012 में उसे हरियाणा पुलिस की कस्टडी में दिल्ली लाया गया, बौंसी जेल से दिल्ली लाया गया और उसके साथ ही जब ये वापस कोर्ट में प्रोडक्शन के बाद ये वापस बौंसी जा रहे थे तो उस समय इसके साथी ने पुलिस पर फायरिंग करके और उसे छुड़ा लिया। इसके साथ सुरेंद्र मल्लिक के साथ संदीप चुटानिया भी था। आज के समय उन्होंने हरियाणा पुलिस की कार्बाइन भी लेकर साथ में चले गए। उसके बाद विक्रम पारस जो जेल में था सुरेंद्र मलिक और उसके साथी मिलकर के उसे सराय रोहिल्ला से उन्हें छुड़वाया। उस समय विक्रम पारस पंजाब पुलिस की कस्टडी में था और पंजाब पुलिस जब उसे कोर्ट में प्रोडक्शन के लिए यहां ले आई और उसे सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंची तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर अटैक करके और विक्रम पारस को भी छुड़ा लिया। जो कि पिंझावरा पुलिस स्टेशन के एक पिकेट पे ड्यूटी कर रहे थे, बड़े मुश्ताक होकर के ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने बड़े निर्भीक होकर जब एक गाड़ी सामने से आ रही थी उसको रोका। जब उसे और उसके जो ऑक्युपेंट थे जिसमें सुरेंद्र मल्लिक और उसके साथी थे उन्होंने उस पर फायरिंग की जिसपे हेड कांस्टेबल रामकिशन की मृत्यु हो गई। पिछले इसी वर्ष 18 फरवरी को जब हमें ये सूचना मिली कि ये मानसा पंजाब में किडनैपिंग पर रैंसम के लिए वहां पे एक दूसरी क्राइम सिंडिकेट बना करके वहां पे क्राइम करना चाहता है और हमारी स्पेशल सेल की टीम और पंजाब पुलिस की टीम को कंबाइन करके जब उसे पकड़ना चाहा तो उस समय भी वो पुलिस पार्टी पे गोली चलाने से चूका रही। उस एनकाउंटर में उसे भी गोली लगी और उसका साथी दयन वो काफी गंभीर रूप से घायल हुआ और अंततः वो पकड़ा गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मर्डर रॉबरी डकैती कारजैकिंग किडनैपिंग फॉर रैंसम एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस क्राइम करने से बिल्कुल नहीं चूकता और इन सब के अलावा पुलिस पार्टी पे भी अटैक करने से बिल्कुल नहीं चुका और मैंने आपको चार ऐसे इंस्टेंसेस बताए जिसमें पुलिस पार्टी पे इसने अटैक किया। तो
ये एक एक सेटिस्फैक्शन की बात है कि हमने ऐसे क्रिमिनल को हमने न्यूट्रलाइज किया। नाम पे एक व्यक्ति का मर्डर किया सर, राम राम से। और जून 2001 में एक सरपंच थे बराही गांव हरियाणा के, उनका मर्डर किया। इसके बाद 2007 में ये अपने पुराने केस में जब बंद था, 2007 में ये हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागा। 2009 में ये दोबारा पकड़ा गया और दिल्ली में इसके ऊपर एनसीओसी एक्ट लगाया गया। तब से ये जेल में चल रहा था और 2 अप्रैल 2012 को ये दोबारा द्वारका के इलाके, दिल्ली में द्वारका के इलाके से पुलिस की कस्टडी से भागा। इसके भागने के बाद इसने अपना जो नेटवर्क तैयार किया वो सिर्फ दिल्ली और हरियाणा ही नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, साथ में नेपाल में भी इसने अपना नेटवर्क फैलाया और वहां पर अपने एसोसिएट के साथ मिलकर क्राइम करने की कोशिश की। कल 24 अक्टूबर को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर, जो इन्फॉर्मेशन ये थी कि शाम के समय नीटू अपने एसोसिएट के साथ वसंत कुंज में द ग्रैंड होटल के पास एक पेट्रोल पंप है, उस पर आएगा किसी वारदात के लिए प्लानिंग करने के लिए। इस इन्फॉर्मेशन पर स्पेशल सेल की टीम ने अपना ट्रैप लेट किया। रात में लगभग 10:30 के आसपास जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी एक I-20 गाड़ी की, दिल्ली नंबर I-20 की, वो जब गाड़ी स्पॉट की गई और पुलिस टीम ने उस गाड़ी की ओर अप्रोच किया तो ये गाड़ी बहुत तेजी से ग्रैंड होटल की तरफ भागी। पुलिस की टीम ने उसे चेस किया और ओवरटेक करके गाड़ी को रोकने की कोशिश की और पुलिस होने के ललकारा कि हम पुलिस वाले हैं, सरेंडर कर दो। इस समय इसी बीच जो ऑक्यूपेंट थे उस गाड़ी में, 3 ऑक्यूपेंट थे, उन्होंने गाड़ी से निकलकर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर फायरिंग की, तीनों घायल हो गए। इनको PCR की गाड़ी से एम्स के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया जहां पर उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इनके पास से एक रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, इनकी गाड़ी में 1 कार्बाइन और 45 कार्टेजेस, लाइव कार्टेजेस रिकवर हुए। उसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए? ये विलेज दबोदा का रहने वाला है, बहादुरगढ़ हरियाणा, और उसके 2 एसोसिएट्स हैं, एक का नाम है आलोक गुप्ता, ये रहने वाला है कन्नौज यूपी का, और जो तीसरा है जो अभी अभी हमें खबर मिली है उसकी आइडेंटिटी अभी के बारे में खबर मिली है, उसका नाम है दीपक, रेजिडेंट ऑफ श्रीनगर। जो ये हमने पता चला हमें उसके पास एक आईडी का कागज, श्रीनगर, श्रीनगर